भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात की ठीक है बेटा देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंपोनेंट्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ड्यू टू अर्थ इसके बारे में बात की ठीक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स के बारे में बात की दैट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप इसके बारे में बात की और इसमें मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी कराई एंगल ऑफ डिप अपेरेंट डिप ट्रू डिप इसके बारे में बात किया अब बेटा आज मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच शो मैग्नेटिज्म ठीक है बेटा मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करूंगा ठीक है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच शो मैग्नेटिज्म उसके बारे में बात करूंगा ठीक है बेटा नाउ इन सब के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा मैग्नेटिक मटेरियल्स और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मटेरियल जो हैं मैग्नेटिज्म शो करते हैं देखो बेटा तीन वेज में मटेरियल्स क्लासिफाइड हैं फर्स्ट इज़ डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स फर्स्ट इज़ डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स देन वी हैव सेकंड इज़ पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स वी हैव पैरा एंड थर्डली वी हैव दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा तो हम ये कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटांसिस होते हैं नाउ इन तीनों मटेरियल्स का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है इसी की वजह से इनका नाम इस तरह पड़ा है इन मटेरियल्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा देखिए मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो कोई भी मटेरियल है कोई भी सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ठीक है वो किससे बना हुआ है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स जो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में और दे कॉन्स्टिट्यूट सम मैग्नेटिक मोमेंट अब अगर तो कोई सबस्थान देखिए हर का अटामिक नंबर हर सबस्थान का अटामिक नंबर अलग अलग होता है और कईयों में पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कईयों हो में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं देर आर सर्टन मटीरियल्स विच आर हैविंग पेयड इलेक्ट्रॉन्स एंड देर आर सर्टन मटीरियल्स विच आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब बेटा जिन में पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द मटीरियल्स विच आर हैविंग पेयड इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होता है कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को कैंसिल कर जाता है बिकॉज द रोटेशन इज़ इन द डिफरेंट डायरेक्शन तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है एंड दी वट हैपन्स इज द मैग्नेटिक मोमेंट इट कैंसल्स आउट ठीक है बेटा अब देखिए ऐसा है अलग अलग मटीरियल्स में अलग अलग मैग्नेटिक मोवमेंट्स का हिसाब है ठीक है बेटा अब देखिए अगर हमारे पास कोई डाया मैग्नेटिक सब्सटांस है अब मैं डाया मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करूँगा डाया मैग्नेटिक सब्सटांस के बिहेवियर के बारे में बात करूँगा डाया मैग्नेट सब्सटांस बिहेवियर ठीक है बेटा इनका बिहेवियर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करेंगे और इनके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जो डाया मैग्नेटिक होता है उसमें जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो देर आर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड ठीक है बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सब्सटांसेज कुछ ऐसे होते हैं देखिए मतलब यानी कि लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की परफेक्ट पेयरिंग होती है ठीक है बेटे तो अगर हम ये मटेरियल वो मटेरियल हैं जो कि फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा सो डाया मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं दे आर दे आर फीबली मैग्नेटाइज दे आर फीबली मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन

दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा देखिए क्या किस तरह से अपोजिशन कैसे है अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड इस तरह से है आपकी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है लट से और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा ठीक है देर इज़ अ नॉर्थ पोल हेयर देर इज अ साउथ पोल हेयर और ये सब्सटेंस फीबली मैग्नेटाइज होगा इन ए डायरेक्शन सो टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा क्या होगा यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है यहाँ ये भी नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा ये भी साउथ और ये क्या करेगा इसके इफेक्ट को अपोज करेगा तो देखिए बेटा ये किस तरह से होता है ये दिस विल बी लाइक दिस ठीक है ये इस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगी इज इट ओके बेटे और बाकी फील्ड लाइन्स कैसी हैं स्ट्रेट हैं बाकी फील्ड लाइन्स कैसी हैं स्ट्रेट हैं तो ये फीबल मैग्नेटिज्म हुआ इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा तो ये फीबल मैग्नेटिज्म हुआ है और क्या कर रहा है ये ये अपोज़ कर रहा है तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल हो जाता है और वो फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है मटेरियल तो ये देखिए ये सब्सटेंस ये जो हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है ये थोड़ी देर बाद फील्ड में यू हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन ठीक है बेटा नॉर्थ नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और एक्सटर्नल फील्ड में ये तिरछा इस तरह से हो जाएगा रिपेल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ फीबली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट ठीक है इन ए डायरेक्शन अपोजिट सो एज टू अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड और इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा इसको कहते हैं डाया मैग्नेटिक सबस्ट बिहेवियर ये डाया मैगनेटिक सबस्टांस का बिहेवियर है दूसरी इसमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आई विल टॉक अबाउट देखिए बेटा नाउ किस तरह के सब्सटेंस जो हैं वो आते हैं बेटा दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ एक अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम ए मूव्स फ्रॉम ए मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ फ्रॉम ए रीजन ऑफ रीजन ऑफ स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ टू ए रीजन ऑफ टू ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा जैसे अगर मेरे पास ये मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल सपोज और ये बर्तन रखा हुआ है इस बर्तन में हमने कोई डाय मैगनेटिक सबस्टांस का चूरा ले रखा है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है ये यहाँ पे पोल्स पे तो क्या हम क्या कह रहे हैं मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड तो सारे के सारा जितना भी डायो मैग्नेटिक सबस्टांस है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेगा इसमें क्या बन जाएगा एक हाइट क्रिएट हो जाएगी उस लिक्विड की उस लिक्विड या डाय लिक्विड है डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है या फिर डायमैग्नेटिक पाउडर है इट विल अरेंज इन दिस फैशन तो ये क्या हुआ यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड थी स्ट्रॉन्ग से कहाँ शिफ्ट हो गया वीक फील्ड रीजन में ठीक है बेटा वीक फील्ड रीजन में ये शिफ्ट हो गया और ये इस तरह की हमारी शेप बन गई दिस टाइप ऑफ शेप गेट्स क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ शेप गेट्स क्रिएटेड ठीक है बेटे अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हमने बात की नाउ तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात की नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट अबे क्यूरी लॉ क्यूरी लॉ के बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे नाउ नेक्स्ट इज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखिए बेटा पैरा मैगनीटिक सब्सटांसिस वो होते हैं जो कि फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरा मैग्नेटिक सबस्टांसिस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरा मैग्नेटिक सबस्टांसिस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो डाइपोल्स हैं जो डाइपोल मोमेंट्स हैं इंडिविजुअल एटम्स के वो रैंडमली अरेंज होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, हैं अगर एक पैरा मैगनेटिक सबस्टांस अगर हम लें तो ये इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन ए इ फैशन लाइक दिस इस तरह से ये एक ऐसी क्लास के बच्चे हैं जो कि सारे अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं ठीक है बेटा अब ये देखिए ये अब अगर ये सारे अनऑर्डर्ड वे में हैं अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो वट हैपन्स दे टेंड टू अरेंज दम सेल्ब इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्डोर इन दील्ड ठीक है बेटा ये देखिए सो ये पैरा मैग्नेटिक सबस्टिज हैं दे आर पैरा मैग्नेटिकांसिज बट दे आर फीबली मैग्नेटाइज इन दायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो दे आर फीबली मैग्नेटाइज दे आर फीबली मैगनेटाइज फीबली मैग्नेटाइज

देखिए बेटा अगर आपने डाया मैग्नेटिक सब्सटांस रखा है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उससे गुजरे डाया मैग्नेटिक सब्सटांस जो होता है वो तो अपोज करता है एक्सटर्नल फील्ड को अपने अंदर से जाने नहीं देता लेकिन पैरा मैग्नेटिक सब्सटांस फिर भी क्या करता है अलाउ करता है किसको मैग्नेटिक फ़ील्ड को उससे गुजरने के लिए तो अब आप देखिए अगर हमारे पास पैरा मैगनीटिक सबस्टांस हो तो वो इस तरह से फील्ड लाइने उसमें से घुस जाएंगी निकल जाएंगी ये देखो बेटा आप देखिए ये नॉर्थ पोल है इधर क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की ऐसे है तो यहाँ पर साउथ पोल है और ये नॉर्थ यानी कि ये फील्ड को सपोर्ट कर रहा है फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो रहा है फील्ड की डायरेक्शन को अपोज नहीं कर रहा है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजरने दे रहा है और फीबली मैग्नेटाइज हो रहा है बहुत ही फीबल मैग्नेटिज्म इसमें हो रहा है ये क्यूरी ला को बे करते हैं क्यूरी ला के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे बेटा वी विल डिस्कस ससेप्टेबिलिटी देन आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्यूरी ला अब आप देखिए ये फीबल मैग्नेटिज्म हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अब इनकी खासियत यह है दे मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो पैरा मैग्नेटिक होते हैं दे मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा सो दे मूव फ्रॉम ए दे मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड टू ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड या पैरामैग्नेटिक कोई सब्सटेंस का पाउडर ले लें और उसको एक कटोरी में रख दें और नॉर्थ और साउथ पोल ये है नॉर्थ और ये है साउथ ठीक है बेटा अब इसमें ये हमने यहाँ रख दिया ठीक है कटोरी और इस कटोरी में पैरामैग्नेटिक लिक्विड या पैरामैग्नेटिक पाउडर सब्सटेंस का पाउडर डाल दिया तो पता क्या होगा इसमें स्लाइटली डेंट पड़ जाएगा ये सारा मटेरियल कोशिश करेगा कहाँ आने की ये साइडों पे इकट्ठा होने की ठीक है बेटा दे विल कलेक्ट एट दी साइड्स तो सारा मटेरियल विल कोशिश टू कलेक्ट एट दी साइड्स तो यानी कि दी मटेरियल विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू अट्रॉन्ग मतलब इसमें एक बम्प सा बन जाएगा डेंट सा बन जाएगा इनसाइड दिस पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिक सब्सटांस पैरामैग्नेटिक पाउडर और पैरामैग्नेटिक लिक्विड ठीक है बेटा तो इस तरह का एक डेंट सा बन जाता है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ठीक है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ फेरोमैग्नेटिक सब्सटांसिस ठीक है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटांसिस नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखिए बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं विच आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, विच आर विच आर स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज which are strongly magnetized in the direction of which are strongly magnetized in the direction of external magnetic field of external magnetic field okay, magnetic field are called are called ferromagnetic substances, are called ferromagnetic substances. ठीक है बेटा तो जो सब्सटांसिस बड़े स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर कॉल्ड स्टील आयरन ये सब क्या है दीज मैगनेटिक फील्डिकर फेरोग्नेटिकांसिस सोडियम पोटेशियम ये सब पैरा मैग्नेटिक है सोडियम पोटेशियम में मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस होता है बहुत कम ठीक है बेटे और डाया मैगनेटिक तो फीबली मैग्नेटाइज तो होते हैं इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटे तो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि कॉपर कॉपर इज डायमैग्नेटिक ठीक है बेटा कॉपर इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो ये क्या होता है फीबली मैग्नेटाइज होता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब क्या अंदर स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है जिसकी वजह से ये कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है कोई फैरो बन जाता है देखो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं बेटे जैसे कि स्टील हुआ आयरन हुआ देखिए इसमें क्या होता है कि अंदर जो एटम्स हैं काफी सारे ग्रुप ऑफ एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो डोमेन्स में बटे होते हैं डोमेन्स में मतलब कि ऐसे एक डोमेन बनाई इसमें जितने भी डायपोल लूंगा सबकी डायरेक्शन कैसी होगी एक इसमें जितने भी डाइपोल आएंगे इस डोमेन में वो सबकी डायरेक्शन कैसी होगी एक यानी ये एक ऐसी क्लास है जिसमें कि बच्चे जो हैं कट्ठे कुछ बच्चे झुंड बना बना के बैठे हुए हैं ठीक है, है बेटे और वो सब एक ही तरह की मैंटेलिटी के हैं ठीक है, है? यानी एक ही डायरेक्शन है तो आप देखिए बेटे यहाँ पे जैसे ये है अगेन दे आर इन स्ट्रेट लाइन अगेन हेयर यू सी तो दिस दीज फॉर्म्स मैग्नेटिक डोमेन्स एक डोमेन में जो इलेक्ट जो मोमेंट्स हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दे आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन तो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इफ़ यू अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू सच ए मटेरियल, व्हाट हैपेंस? ऑल दी डोमेन्स दे इमीडिएटली अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो टू सपोर्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा अब आप देखिए अगर हम ये फेरोगनेटिक सबस्टांस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसकी टेंडेंसी होती है मैक्सिमम फील्ड लाइन्स इससे गुजरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम फील्ड लाइन्स इससे गुजरे ये देखिए सो इट विल हैव ए टेंडेंसी सो दैट एक्सटर्नल फीडलाइंस को मैक्सिमम अपने अंदर से निकालने की यहाँ से साउथ और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा ठीक है बेटा यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस तरह का हमारे पास एक क्या है फेरो मैग्नेटिक सब्सटांस जो है वो हम क्रिएट कर लेंगे ठीक है बेटा तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्स्टांसिस हैं दीज आर वॉट फेरो मैग्नेटिक सब्सटांसेस अब आप देखिए बेटा हो ये सबस्टांसिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटांसिस आयरन कॉपर ठीक है दे हैव ए वेरी हाई टेंडेंसी टू मूव फ्राम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है ठीक है बेटा तो इसमें भी अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई लिक्विड लेंगे या कोई पाउडर लेंगे और उसको बिटवीन द पोल्स रखेंगे किसी बाउल में तो क्या होगा बीच में एक अच्छा खासा वेल बन जाएगा ठीक है बिकॉज बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक है साइडों पे स्ट्रॉग है तो साइडों पे मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिक सब्सटांस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी साइड्स सो आयरन स्टील दीज आर ऑल फायर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस और फेरोमैग्नेटिक सब्स्टांसिस आर सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैगनेट्स फेरोमैग्नेटिक सब्स्टांसिस से हम लोग परमानेंट मैगनेट्स भी बनाते हैं ठीक है बेटा अब हमने बात करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटीरियल्स की वी हैव टाक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटीरियल्स नाउ Uh, the next topic the next detail that i am going to talk about is how we magnetize a substance how we magnetize a substance what are the parameters and what uh, uh, basically what are the elements or basically what are the parameters which define the magnetization in achieved in a particular substance the magnetization achieved in a particular substance अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सपोज वी टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखिए बेटा व्हेन वी स्पीक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखिए अब कोई सब्सटेंस आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा ये सब्सटेंस आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो इसमें दो चीजें हैं एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज़ मैग्नेटाइजेशन और दूसरा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड दूसरी है मैग्नेटाइजिंग बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड आपने मैग्नेटाइज करने के लिए रखी है सब्सटेंस को उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसकी इंटेंसिटी को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो जो फील्ड है जो कि एक्सटर्नली एक्सटर्नल फील्ड जो इस पर अप्लाई कर रहे हैं उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो उसकी इंटेंसिटी है उसको हम लोग कहते हैं एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज़ एच हो सकता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रांग हो हो सकता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड वीक हो तो एच ज़्यादा या कम हो सकता है अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रांग है तो ये क्या है एच ज़्यादा होगा और अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड वीक है तो एच कम होगा अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बेटा जब हम कोई सब्सटेंस को रखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में तो उसमें कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट इज डिफाइंड एज दी दी मैग्नेटिक मोमेंट दी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड दी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है बेटा इसको हम डिनोट किससे करते हैं आई से इट इज डिनोटेड बाय आई सो आई इज व्हाट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैं बोले जा रहा हूँ बेटा लेक्चर दिए जा रहा हूँ ठीक है मेरा लेक्चर चले जा रहा है आई एम गिविंग लेक्चर ठीक है और ये क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है अब आप पे कितना असर हो रहा है ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ठीक है बेटा कितना इफेक्ट आप में इंड्यूस हुआ मेरे बोलने से मैग्नेटाइजिंग फील्ड से दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब यहां मैग्नेटिक सेंस में इट इज दी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ठीक है बेटा तो द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर मटेरियल इज आई ठीक है, है उसी से होगा. तो ऐसे होते हैं जिनमें कि थोड़ा सा आपने पढ़ाया और उनको क्या हो गया सब कुछ एकदम से ध्यान आ गया और बीस तीस क्वेश्चन उन्होंने झटपट पूछ लिए उसी बात पे कुछ है जितना मर्जी पढ़ा लिया ठीक है बेटा और क्या हुआ जय जी की क्यों देर देयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ वेरी वेरी पुअर और कई बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही ठीक नहीं होती यानी टीचर ही सही नहीं होता तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता तो ठीक है बेटा दैट इज अनदर एस्पेक्ट दैट मींस एच इज़ वीक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ठीक है तो आप देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम है मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा करना किसके अंदर इफेक्ट इंड्यूस करना जो जो भी सब्सटेंस आपने रखा हुआ है ठीक है बेटा अब देखिए मैं वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक सबिलिटी टॉक अबाउट मैग्नेटिक सबिलिटी मैग्नेटिक सबिलिटी मैग्नेटिक सबिलिटी क्या होती है देखिए ससेप्टेबल दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स वेन वी टॉक अबाउट ससेप्टेबिलिटी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स इसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट में छोटा सा आपको करके दिखाऊंगा वील जस्ट हैव ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपने जो कैमरा कर रहे हैं उनको बुलाऊंगा और वो एक्सपेरिमेंट उनके साथ करके दिखाऊंगा तो काइंडली आप आ जाइए अमन इधर सो ही इज अमन ठीक है जी ही इज अमन ही इज रिकॉर्डिंग दी होल लेक्चर विच आई एम गिविंग तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी देखिए बेटा मैं अमन को कह रहा हूं आपने ना पहले डरना नहीं पहले डरना है फिर बाद में नहीं डरना ठीक है मैं अमन को अभी डराऊंगा ठीक है तो देखते हैं पहले ये डरते हैं या नहीं अब अमन 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 ठीक है अभी हंस रहे हैं देखो ही इज नॉट ससेप्टिबल कोई आदमी और होता तो रोने लग जाता अभी अभी ही इज नॉट ससेप्टिबल मैंने जो इस पर असर किया वो ससेप्टिबल नहीं हुआ इनको कोई उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ ठीक है लेकिन हाँ कोई सेंसिटिव होता मटेरियल तो क्या होता वो अभी के अभी रोना शुरू कर देता इतनी बात पे ठीक है तो ही इज लेस ससेप्टिबल ही इज़ लेस ससेप्टिबल ठीक है बेटा नाउ देखिए अमन को हम थैंक यू करेंगे इन्होंने हमारा एक्सपेरिमेंट में साथ दिया ठीक है तो अब आप वापिस कैमरा कर लीजिए थैंक यू जी नौ देखिए ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है दिस इज अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सो दी पर्सन आई वॉज कोल्डिंग मैंने डांटा लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ वो वो फिर भी दांत दिखा रहा था हंस रहा था इसका मतलब है वो सब्सटेंस वो मटेरियल, वो आदमी लेस मैग्नेटिकली ससेप्टिबल है इट इज लेस मैग्नेटिकली ससेप्टिबल और जो जिस जिसपे ज़्यादा असर होता है दैट इज मोर मैग्नेटिक ससेप्टिबल। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल है और जो मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में बहुत कम मैग्नेटाइज होता है वो क्या है वीक ससेप्टिबिलिटी लो ससेप्टिबलिटी कैन दो डीट है चिकना घड़ा ठीक है बेटे तो अब आप देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग एक ग्रीक एल्फाबेट से डिनोट करते हैं काई इसको काई कहते हैं ठीक है बेटे काई ये वो पानी वाली काई नहीं है ये ग्रीक एल्फाबेट है काई ठीक है काई मतलब लाइक दिस ए लाइक दिस दिस इज काई ये काई से डिनोट करते हैं किसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को और ये एक ग्रीक एल्फाबेट है दिस इज ए ग्रीक एल्फाबेट दिस इज ऑर्डनरी एल्फाबेट ना देखिए मैग्नेटिक सबिलिटी बताता हूं मैं आपको देखिये काटिक सबिलिटी काट आई बाई एच तो आप जरा ध्यान से देखिए आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तो अगर बेटा आई ज्यादा होगा और H कम होगा ठीक है बेटा अगर आई ज्यादा होगा और H कम होगा यानी कि एक सब्सटेंस जो कि बहुत ससेप्टिबल था कि उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बहुत कम मिली और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंड्यूस हो गया यानी कि मास्टर बहुत कमजोर मिला पढ़ाने वाला लेकिन बच्चा बहुत होशियार बन गया तो ऐसा सब्सटेंस क्या है बहुत हाईली मैग्नेटिकली ससेप्टिबल है ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत कम फील्ड पर मैग्नेटाइज हो जाता है बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है दैट इज ए मैग्नेटिकली ससेप्टिबल मटीरियल और ससेप्टिबिलिटी है आई बाई एच ससेप्टिबिलिटी इज आई बाई एच समझ में आया बेटे बात मेरी अब आप देखिए सेप्टिबिलिटी no क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये भी टेस्ला में है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये भी टेस्ला में है तो कैंसिल हो जाता है सो इट इज हैविंग नो यूनिट्स इट इज हैविंग नो यूनिट्स ठीक है बेटा अब अब देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक सीबिलिटी के बारे में बात करें तो डाया मैग्नेटिकांसिस होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इसका मतलब है ससेप्टेबिलिटी ऑफ डाया मैग्नेटिक सबस्टांसिस इज नेगेटिव इज नेगेटिव दैट इज लेस देन वन ठीक है बेटा और ससेप्टिव मैग्नेटिक सबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस पैरामैग्नेटिक सबस्टिस पॉजिटिव होती है बट लो हैज ए लो वैल्यू और जो ससेप्टेबिलिटी है मैग्नेटिक सबिलिटी फॉर फेरो मैग्नेटिक सब्सटांसिस इज पॉजिटिव एंड हाई सो मैग्नेटिक सबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज हाई ठीक है बेटा तो उस वो क्या होती है हाई होती है अब ये तीन हमारे पास पैरामीटर्स हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमेगनेटी इज़ लेस देन वन फॉर इट फॉर पॉजिटिव इट इज़ लो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट इज़ लो फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज़ वेरी वेरी हाई वैल्यू क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा अब अब देखिए हम लोग नाउ वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी पैदा हुई कोई मटेरियल आपने एच जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई थी और जिसका जिसका जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच में रखा गया है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कितना इंड्यूस होता है बेटा हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अट इज बी इज मू नॉट एन टू आई बीज म्यू नॉट एन इन टू आई ये एन आई किसके इक्वलेंट है एच के मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बराबर क्योंकि अगर और एनआरआई चेंज करते हो तो इट इज एनोलोगस्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एनआर आई चेंज होने पर बी बढ़ जाता है बी बढ़ जाता है क्यों नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बढ़ा दिया या करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज ठीक है बेटा मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो इंक्रीज होगी एच इंक्रीज हो गया सो दिस इज एन टू एच सो बी इज इक्वल टू वट म्यू नॉट इंटू एच बीज इकोल टू वट म्यू नॉट इन टू एच ये आई यहाँ पे बेटा करंट है ये मैंने का केस लिया है तो बीज गोल्ड म्यू नॉट इंटू एचनेटिकोलॉट इंटू इंटेंसिटी अब अगर आपने एक सब्सटेंस को एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है तो वो मैग्नेटाइज होना शुरू करता है और नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है इस सबस्टांस की दैट इज म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई एच क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसके कारण जो इंडक्शन हो रही है प्लस जो इसमें इंटेंसिटी ऑफ़ मैग्नेटाइजेशन होगी सो म्यू ह प्लस आई, म्यू ह प्लस आई। अब, अब देखिए बेटा इसको हम बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लिया तो वन प्लस आई बाई एच वन प्लस आई बाई एच ठीक है ये क्या है म्यूनॉट इंटू वन प्लस आई

इसको हम लोग क्या कह सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इन टू एच ठीक है बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग दिस इज इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट म्यू आर इन टू एच देखो बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमेबिलिटी तो इसका मतलब है परमेबिलिटी

ठीक है बेटा तो परमेबिलिटी हाई होने का मतलब है कि ये चाहते हैं मैक्सिमम फील्ड लाइनें इनसे गुजर जाएं मैक्सिमम फील्ड लाइनें इनसे गुजर जाएं जाए देखिए बेटा तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज रिलेटेड म्यू दिस इंप्लाइज म्यू इज टू म्यू नॉट टू वन प्लस काई यहां से आप सीधा देख सकते हैं जो जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है वो मीडियम उतना ही ज्यादा परमेबिल है उसकी परमेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है ठीक है बेटा सो तो ये हमने बात करी डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस, परमेबिलिटीज ठीक है बेटा नाउ बेटा क्यूरी लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूरी लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस देखिए बेटा जो क्यूरी लॉ है जो क्यूरी लॉ है ये इन्यूमरेट करता है ये लिंक करता है ससेप्टेबिलिटी विद टेम्परेचर इट लिंक्स दी ससेप्टेबिलिटी विद टेम्परेचर तो क्यूरी लॉ इट इज ए रिलेशनशिप इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन मैग्नेटिक सबिलिटी between magnetic susceptibility susceptibility and temperature and temperature it is a relationship between magnetic susceptibility and temperature so curie law basically enumerates or it is a relationship between magnetic susceptibility and temperature क्यूरी ने ये ऑब्जर्वेशन पाई थी कि जो मैग्नेटिक सबिलिटी काई है मैग्नेटिक सीट काई है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मैग्नेटिक सविलिट काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये लॉ सिर्फ पैरा मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटांसिस के लिए वैलिड है दी डाया मैगनेटिक सब्सटांसिस डू नॉट अवे द क्यूरी लॉ यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटिक सबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल टेंड टू तो डिक्रीज ठीक है बेटा चाहे वो पैरो हो चाहे वो फेरो हो ये दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्स लॉस ठीक है बेटा अभी हमने मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात की और जो हिस्टेरेसिज लॉस है दैट इज वॉट वी कॉल एज मैग्नेटाइजिंग साइकिल दैट इज वॉट वी कॉल एज मैग्नेटाइजिंग साइकिल तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैग्नेटाइजिंग साइकिल ठीक है और दी हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं सो so, अब नेक्स्ट जो चीज़ करूंगा क्यूरी ला तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया नेक्स्ट जो बात करूंगा दैट इज अबाउट दिस्टेरेस साइकिल और दिस्टेरेस लूप सो so, ये देखिए बेटा हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस साइकिल और लूप के बारे में बात करेंगे हिस्टेरेसिस साइकिल और लूप बेसिकली बेटा जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं तो वो सब्सटेंस गर्म हो जाता है और वो एनर्जी क्या हो जाती है कुछ एनर्जी जो हमने दी वो वेस्ट हो जाती है ठीक है ये बात डिपिक्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा जिसके लिए मैं अपने दूसरे कैमरामैन को बुलाऊंगा गुरमीत जी स्टेज पर आए और मैं इनको अब दिखाऊंगा एक एक्सपेरिमेंट करके ठीक है तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है कि गुरमीत जी आपने जब मैं आपको धक्का दूँ ठीक है आपने गर्म हो जाना है और थोड़ा सा आगे चल देना है इजी टोके आप ऐसे हो जाइए ये गुरमीत जी है। और ये मुझे कैमरा पे कवर कर रहे हैं, ठीक चल तो चलाने में और दूसरा इनको गर्म करने में ये जो गर्म करने वाली एनर्जी थी मैंने इनको गर्म करने की इंटेंशन नहीं थी गर्म हो गए गुस्सा हो रहे हैं अब ये गर्म करने की मुझे इन इंटेंशन नहीं थी। लेकिन मेरी एनर्जी ने इनको गर्म करा वो एनर्जी क्या है वेस्टेड एनर्जी ऐसे ही जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो उसका भी क्या होता है उस मैग्नेटिक मटेरियल में भी जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है यानी जो मैग्नेटाइजिंग एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है और लूप बेसिकली उस एनर्जी को कैलकुलेट करता है ठीक है तो गुरमीत जी थैंक यू फॉर द एक्सपेरिमेंट नाउ अब देखिए ये हिस्टेरेसिस साइकिल या हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली कैलकुलेशन है फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी दैट हैज टेकन प्लेस अब मैं आपके साथ एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके उसको मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग साइकिल में लगा कर आपको समझाऊंगा कि किस तरह का हिस्टेरेसिस साइकिल या हिस्टेरिस लूप होता है देखिए बेटा हिस्टेरेसिस साइकिल या हिस्टेरिस लूप इज ए ग्राफ बिटवीन इट इज ए ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन या बेटा हमने एक सब्सटांस लिया जिसमें जीरो मैग्नेटाइज था इंडक्शन जीरो थी जब फील्ड जीरो थी तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी जीरो थी substance में क्योंकि हमने substance फ्रेश लिया है कोई भी फेरा मैग्नेटिक फेरोग्नेटिक लिया है अब हम क्या करते हैं इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना शुरू कर देते हैं ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जैसे जैसे लगा रहे हैं इसमें इंडक्शन पैदा हो रही है जैसे जैसे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इसको मैग्नेटाइज करना शुरू यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी शुरू कर रहे हैं इट इज इट हैज स्टार्टेड गेटिंग मैग्नेटाइज ठीक है ये मैग्नेटाइज हो रहा है धीरे 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 मैग्नेटाइज हो रहा है अब क्या हुआ अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप बढ़ा रहे हैं लेकिन सब्सटेंस ने मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइज होना बंद कर दिया फर्दर मैग्नेटाइज होना बंद कर दिया यानी जितना वो हो चुका हो सकता था जितना वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता था उतना हो चुका है उससे फर्दर मैग्नेटाइज होना उसके लिए पॉसिबल नहीं है यानी कि इस स्टेज को कहते हैं सेचुरेशन लेवल इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं सेचुरेशन लेवल तो ये सेचुरेशन पे पहुंच गया है इट हैज रीच्ड दी सेचुरेशन स्टेज अब फर्दर अगर अब फर्दर ये और इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो सकता इसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और लगाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे ही चला जाएगा अब हमने इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी बंद कर दी अब इसको मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच है जिसको हम बढ़ा रहे थे अब उसको बढ़ाना बंद कर दिया तो अब हमने इसको डीमैग्नेटाइज करना शुरू कर दिया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम करनी शुरू कर, कर, कर दी या ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज़ करना शुरू कर दिया डायरेक्शन रिवर्स कर दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तो हमने तो सोचा था कि भाई ग्राफ ऐसे ही आएगा वापिस आएगा बट एक्चुअल में ऐसे नहीं आता एक्चुअल में यह ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा, ए, दिस। जब हमने इसको डीमैग्नेटाइज करना शुरू करा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चला गया कैसे ऐसे यानी कि अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस पॉइंट पे जीरो है फिर भी क्या हो गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड है सब्सटेंस में इसको कहते हैं इस पॉइंट ए इसको पॉइंट को ए कह देता हूं दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस इज कॉल्ड कॉल्ड रिटेंटिविटी दिस दिस इज गैप ओ ए इज कॉल्ड रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी दिस इज इज कॉल्ड कॉल्ड ओ ए व्हाट रिटेंटिविटी मतलब इतना मैग्नेटिक इंडक्शन तो इसके अंदर इंड्यूस हो गया है इतना मैग्नेटिक इंडक्शन तो इसके अंदर इंड्यूस हो गया है अब बेटा फर्दर अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट साइड पे बढ़ाना शुरू कर दूं तो व्हाट विल हैपन ये इतना ये जो गैप है इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूँ ठीक है अब देखिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ी सो so दैट जो इंडक्शन है जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने लिया हुआ है जो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हुआ है उसको नलीफाई करने में ठीक है बेटा दिस ओ बी इज कॉल्ड वट

अब ये मैग्नेटाइज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है बेटा इट गॉट मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन नाउ फर्दर ठीक है ये सैचुरेशन आ गया सेचुरेशन के बाद अगर हम अब फिर रुक जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर इन्वर्स कर देते हैं तो अगेन इट विल ग्रो लाइक दिस ग्राफ विल ग्रो लाइक दिस ये ये साइकिल इट फॉलोज दिस साइकिल कंप्लीटली इट फॉलोज दिस साइकिल the area of this hysteresis loop is the loss of the energy the loss of energy as heat during one magnetizing cycle and one demagnetizing cycle so beta area under this area of the hysteresis loop area of the hysteresis loop hysteresis loop hysteresis loop is is a measure of is a measure of the loss of energy loss of energy during one cycle of magnetization during one cycle of magnetization and demagnetization and demagnetization ठीक है बेटा तो ये हमें देता है इस ये एरिया बताता है कि कितनी एनर्जी जो मैग्नेटाइजिंग एनर्जी हमने दी उसमें से कितनी एनर्जी एज हीट वेस्ट हो गई और हरेक मटेरियल की रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी अलग अलग है बेटा मैं आपके सामने दो हिस्टेरिस लूप बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सूटेबल है अब आप देखिए दो हिस्टेरिस लूप आपके सामने बनाने जा रहा हूं और ये पता करना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो हमारे लिए सूटेबल है टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट ठीक है बेटा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल है अब आप देखिए बेटा ये अगेन बीएच कर्व बनाएंगे या आईएच कर्व बनाएंगे अब आप देखिए बेटा ये यहां पे एक दोबारा से बनाऊंगा बेटा ये थोड़ा सा यहां पे ना एक लूप मैंने ये बनाया दूसरा और बनाने जा रहा हूं दैट इज लाइक दिस दूसरा और बनाने जा रहा हूं ये नो इन दी रेड वन एंड दी ब्लैक वन अब देखिए डिफरेंस देखिए दोनों में रेड वन की कोर्सिविटी ज़्यादा है और ब्लैक वाले की कोर्सिविटी कम है ब्लैक वाला जो हिस्टरस लूप है उसकी कोर्सिविटी कम है लेकिन ब्लैक वाले की रिटेंटिविटी ज़्यादा है और जो रेड वाला है वो उसकी रिटेंटिविटी कम है अब आप देखिए बेटा ये जो है ये स्टील का हिस्टेरिस साइकिल है दिस इज फॉर स्टील रेड इज फॉर स्टील और ये सॉफ्ट आयरन के लिए है ये हिस्टेरिस लूप से मुझे लगता है कि स्टील जो है इट इज मच मोर सुटेबल इट इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट यू व्हाई रीजन इज दैट कोर्सिविटी फॉर स्टील इज लार्जर दैन कोर्सिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन कोर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की जो है वो कम है इन कंपेरिजन टू स्टील ठीक है बेटा स्टील की कोर्सिविटी ज़्यादा है हालाँकि रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की, की ज़्यादा है बेटा यहाँ इन इन लूप से हमें ये पता चलता है कि जो सॉफ्ट आयरन है उसको मैग्नेटाइज करना और डी मैगनेटाइज करना आसान है सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना और डी मैग्नेटाइज करना आसान है लेकिन जो स्टील है उसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना दोनों ही मुश्किल है उसको मैग्नेटाइज़ करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है ठीक है बेटा क्योंकि एनर्जी देख लीजिए ज़्यादा लॉस हो रहा है एरिया अंडर दिस फॉर द स्टील हिस्टरसिस कर्व इज ग्रेटर देन दैट फॉर द सॉफ्ट आयरन कर्व तो इसका मतलब है जो लॉस है एनर्जी का वो स्टील में ज़्यादा है वन कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन ठीक है बेटा सॉफ्ट आयरन में जो है वो लॉस कम है आपको समझ में आई तो इसलिए जो हम लोग इलेक्ट्रो बनाते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है इन लिफ्टिंग लोड्स यानी क्रेन्स के मैनुफैक्चर में जब हमने आयरन पीसेस जो हैं वो उठाने होते हैं तो हम लोग वी यूज़ वट सॉफ़्ट आयरन एज कोर फॉर द इलेक्ट्रो क्योंकि अगर हम स्टील इस्तेमाल कर लेंगे तो स्टील मैग्नेटाइज हो गया अब आपने पीस लिफ्ट तो कर लिया अब अब जब करंट हटाते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता स्टील की कोर्च जल्दी जल्दी तो वट विल हैपन इट विल नॉट द आयरन पीस दैट यू हैव पिक्ड अप इज़ नॉट रिलीज एट द लोकेशन विच यू विश टू रिलीज इट जहां पे आप उसको रिलीज करना चाहते हैं वो रिलीज नहीं होता वो पर्टिकुलर पीस नाओ देखिए बेटा ये हमने बात करी हिस्टेरेसिस कर्व्स की हिस्टेरेसिस साइकिल की अब ये हमने बात कर ली ठीक है बेटा नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज

क्या कहते हैं बेटा डाया मैग्नेटिक पैरोमैग्नेटिक पैरोमैगनेटिक सब सबस्टांसिस कम्प्लीट कर लिए और इन मटेरियल्स के बिहेवियर के बारे में बात कर ली देन वी हैव टाक्ट अबाउट द मैग्नेटाइजिंग साइकिल एंड डी मैगनेटाइजिंग साइकिल देन वी हैव फाउंड ए रिलेशनशिप बिटवीन दी ससेप्टेबिलिटी एंड दी परमेबिलिटी ऑफ ए मेटीरियल वो रिलेशन भी हमने निकाला ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात की ठीक है बेटा नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टॉक ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर मेजरमेंट इन मैग्नेटिज्म ठीक है जिनका यूजेज है फॉर मेजरमेंट इन मैग्नेटिज्म उसके बारे में हम आपके साथ बात करूंगा ठीक है बेटा नाउ वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर नाउ व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बेटा देखिए इस तरह है कि हमने एक लकड़ी का डब्बा ले लिया और इस डब्बे को स्टैंड पर खड़ा कर रखा है लेवल लेवलिंग स्क्रूज नीचे लगा रखे हैं यहां से एक धागा एक बार मैग्नेट को हैंग करे हुए है अब इसको हमने अर्थ की फील्ड में रख दिया और स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो व्हाट विल हैपन ये एक डाइपोल हो गया विच इज प्लेस्ड पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड और उसको अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ठीक है बेटा नाउ इट इज इसको वाइब्रेशन कराने के लिए अर्थ का कौन सा कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग दिस बार मैग्नेट इन टू सिंपल बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसको कहते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर ठीक है बेसिकली इट इज ए डाइपोल प्लेस्ड पैरल टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ठीक है एंड इट हेल्प इन दी इट हेल्प्स इन दी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस टू टू दर्थ और टू प्लेसेस और इट आल्सो हेल्प्स इन इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू गिवन मैग्नेट्स देखिए बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्मुला डिराइव कराया था लास्ट लेक्चर्स में time period is equal to 2 pi root of i by m into bh now what is this i i is moment of inertia i is what moment of moment of inertia of the bar magnet moment of inertia of the bar magnet m is what magnetic moment m is what magnetic moment or beta बी एच क्या है हॉर्जोंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉर्जोंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉर्जोंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट और आई क्या है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया अगर हम एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर लेते हैं तो उसको एक प्लेस पे हमने जाके देखा कि क्या टाइम पीरियड हुआ नोट किया ठीक है उसी मैग्नेट को हम लोग दूसरी जगह पर ले गए और वहाँ पे भी उसका टाइम पीरियड नोट किया देन वी कैन कंपेयर व्हाट दी मैग्नेटिक फील्ड एट दी टू प्लेसेस वी कैन कंपेयर दी मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस सो बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला क्योंकि जो आई और एम है जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दोनों जगहों पर क्या है कॉन्सटेंट है इट इज सेम एट बोथ द्लेसेस ठीक है बेटा तो देखिए अब जो टाइम पीरियड है ठीक है बेटा जो टाइम पीरियड है, है टी

वी कैन ईवन कंपेयर दी मैगनेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैगनेट्स यूजिंग ए वाइब्रेशन मैगनेटोमीटर पहला यूजेज हमने किया कि वी हैव कम्पेयर दी मैगनेटिक फील्ड्स अर्थ और कम्पोनेट ऑफ मैगनेटिक फील्ड्स एट टू डिफरेंट प्लेसेज उसको हमने कंपेरिजन किया है उसका अब आप देखिए नेक्स्ट जो आपके साथ मैं बात करूँगा दैट इज़ अबाउट द कम्पेरिजन ऑफ मैगनेटिक मोमेंट्स और कैलकुलेशन ऑफ मैगनेटिक मोमेंट्स

वी टेक टू मैग्नेट्स लाइक दिस दो मैग्नेट हम लोग ले रहे हैं ठीक है बेटा नो वी टेक दिस टू मैग्नेट्स ठीक है दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया है वी बोथ मैग्नेट्स वन मैग्नेट अदर अब इनकी प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकती है देखो बेटा ये साउथ था यह नॉर्थ था ये, ये साउथ है ये भी नॉर्थ है इसकी सपोज करिए मैग्नेटिक मोवमेंट एम वन है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है m2 ठीक है इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एड अप हो जाएंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m1 m2 ठीक है बेटा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m1 m2 दैट इज इक्वल टू व्हाट m1 m2 ठीक है बेटा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m1 m2 अब देखिए बेटा अगर मैं दो, दोनों मैग्नेट को रिवर्स करके भी लगा सकता हूँ अपोजिट करके भी लगा सकता हूँ दोनों मैग्नेट्स को यानी कि पहले मैंने ऐसे लगाया पहले मैंने ऐसे लगाया और प्लेस नहीं चेंज करी जहाँ मैग्नेटिज्म, जहाँ पे मैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जिस प्लेस पे रखा है उसी प्लेस पे मैं चेकअप कर रहा हूं मैंने प्लेस नहीं बदली यानी कि अर्थ का हॉर्जांटल कॉम्पोनेंट क्या हो गया कॉन्सटेंट तो पहली सिचुएशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये तो पहले सिचुएशन में जो टाइम पीरियड आया टी वन टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक इस वाले का मोमेंट ऑफ एनर्शिया आई वन है तो टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू बाई एम वन प्लस हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अच्छा बेटा अगर यही दोनों मैग्नेट्स ऑपोजिट लगाए होते यही दोनों मैग्नेट्स ऑपोजिट लगाए होते ऑपोजिट मतलब कैसे कि ए लाइक दिस ये साउथ ये नॉर्थ और इसके ऊपर हमने एक और मैग्नेट रख दिया ठीक है बेटा और ये नॉर्थ और ये साउथ तो देखिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एम वन माइनस एम टू इस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम वन माइनस एम टू और जो टाइम पीरियड टी टू हो जाता है वो हो जाता टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू बाई एम वन माइनस एम टू इन टू बी एच ठीक है बेटा तो अगर आप ये दोनों टाइम पीरियड्स कैलकुलेट कर लें तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर एम वन प्लस एम टू एंड एम वन माइनस एम टू यू कैन एम वन प्लस एम टू और एम वन माइनस एम टू की अगर वैल्यू आप ले लें तो यू कैन सॉल्व दैम साइमल्टेनियसली एंड यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ एम वन एंड एम टू यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ एम वन एंड एम टू यू कैन सॉल्व फॉर एम वन एंड एम टू यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा देखिए बेटा किस तरह से यहाँ पे हम लोग एम वन प्लस एम टू को क्या ले सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सो एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू

बेटा इन दोनों को साइमल्टेनिय

Next that I am going to discuss is, think about the next which I am going to discuss now is the another instrument that is called the tangent galvanometer. Next we are going to discuss about tangent galvanometer. Tangent galvanometer basically it is based upon tangent law, it is based upon tangent law. If तो पहले टेंजेंट गल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले विल डिस्कस टेंजेंट लॉ टेंजेंट लॉ के बारे में बात करेंगे बेटा देखिए टेंजेंट लॉ क्या है इट इज स्टडिंग बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स या अंडर द एक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स तो स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ A magnetic dipole in two perpendicular magnetic fields in two different magnitudes perpendicular magnetic fields is called what is tangent law. Th okay, beta? So, the study of the study of the, the study of the magnetic dipole.

नाउ देखिए बेटा ये एक मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हमने दो फील्ड्स में रखा हुआ है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फील्ड्स कंबाइंड टुगेदर, लेट से दी हॉरिजॉन्टल फील्ड इज बी एच and the vertical field is Bv, ठीक है बेटा सॉरी द वर्टिकल फील्ड इज Bv, वी हॉर्जांटल फील्ड इज बी एच एंड वर्टिकल फील्ड इज बी वी अगर हमने किसी भी मैग्नेट को किसी भी डाइपोल को इस तरह से रखा हुआ है क्रॉस्ट मैग्नेटिक फील्ड में तो होता क्या है बेटा ये जो डाइपोल है इट कम्स टू रेस्ट क्योंकि देखिए ये ये जो हॉजांटल फील्ड है इसके कारण इस पर कैसी लगेगी क्लॉक वाइज स्टॉर्क और जो ये वर्टिकल फील्ड है इसके कारण इस पर कैसी लगेगी एंटी क्लॉक टॉर्क और ऐसा होगा कि एक पोजीशन पे जब ये आ जाएगा तो जब क्लॉक वाइज स्टॉर्क और एंटी क्लॉक वाइज स्टॉर्क दोनों बैलेंस कर जाएंगी देन दिल बी इन इक्वेलीबेरियम देन डाइपोल विल बी इन इक्वेलीबेरियम सो देखो बेटा अब अगर मान लीजिए ये एंगल हॉर्जोंटल के साथ ये डाइपोल इसका जो डाइपोल है इसका जो डायपोल मोमेंट है वो एम है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो एम है अगर ये हॉर्जोंटल फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो वर्टिकल फील्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन है फील्ड की वर्टिकल फील्ड बी -वी के साथ वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा ठीक है बेटा नाउ टॉर्क ड्यू टू हॉर्जोंटल फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू वर्टिकल फील्ड torque generated on the dipole due to the horizontal field is equal to torque generated due to the dipole on the vertical field. So, torque generated due to the horizontal field is m b h into sin of theta, tau is equal to m b sin theta, tau is equal to m into b h into sin theta. So, this is equal to m b v into sin of 90 minus theta. into 9 t minus theta. So m b h into sine theta is equal to Mbv, m b v. बेटा कैपिटल M है मैग्नेटिक मूवमेंट है बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट है एम बी वी दैट इज एम बी वी इन टू कॉस ऑफ थीटा ठीक है बेटा तो बी वी इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा बी वी इज इक्वल टू बी एच वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दर्जांटल कॉम्पोनेंट इन टू टेंजेंट ऑफ थीटा इन टू टेंजेंट ऑफ थीटा ये जो है इसको कहते हैं टेंजेंट लॉ विच रिलेट्स दर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड विद द हार्जांटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए डाइपोल विच इज इन इक्वेलेबरियम एट ए सर्टन पोजिशन इन द फील्ड एंड इस मेक इन एंगल थीटा विद द हार्जांटल फील्ड अब आप देखिए बेटा इसी प्रिंसिपल पे जो है टेंजेंट गैल्वानोमीटर जो है वो बेस्ड है नाउ टेंजेंट गैल्वानोमीटर नाउ बेटा टेंजेंट गैल्वानोमीटर देखिए गैल्वानोमीटर का जो काम है वो तो सिर्फ क्या है टू मेजर दी करंट ठीक है टू सी दी करंट टू सेंस दी करंट अब टेंजेंट गलवेरमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह से होता है बेटा एक इस तरह की कॉइल होती है सर्कुलर और इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है फॉर नंबर ऑफ़ टर्न्स अलग अलग टर्न्स होते हैं जितने टर्न्स चाहो यूज़ कर सकते हो बीच में इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है इस तरह से और ये नीडल नेचुरली आप समझ सकते हैं इट विल पॉइंट इन दी हॉर्जोंटल फील्ड डायरेक्शन ठीक है हॉर्जोंटल फील्ड की डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा। अब देखिए बेटा जैसे ही ये आपने प्लेस किया नीडल अपनी जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करने लग गई आप क्या करिए ये जो सर्कुलर कॉइल है ये घुमाई जा सकती है ये मूवेबल है यानी इसका वर्टिकल प्लेन मूव कर सकता है तो इसके वर्टिकल प्लेन को हम लोग क्या कर देंगे अलाइन करा देंगे किसके साथ नीडल की डायरेक्शन नीडल की उसमें ठीक है बेटा नीडल की डायरेक्शन में अलाइन करा देंगे तो इसको करंट देंगे जब इसको करंट देखिए हॉर्जोंटल फील्ड तो ऐसे है बी एच इज लाइक दिस और जो इस करंट के कारण जो इस कॉयल में जो करंट बहेगा उसके कारण जो फील्ड होगी दैट विल बी परपेंड परपेंट देंटर एंड अलॉन्ग दी एक्सेस तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी बी एच के अब हमने क्योंकि इसको कॉयल को ऐसे घुमाया हुआ था ना तो इसलिए जो फील्ड ड्यू टू कॉल है अब बेटा, होगा क्या? कि ये जो नीडल है इट विल अलाइन इट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड इन टू टेन ऑफ थीटा अब आप करंट यहां से निकाल सकते हैं कैसे बेटा म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू पाई एन आई बाई आर दिस इज दील्ड एट देंटर दैट इज इक्वल टू वी एच इन टू टेन थीटा सो यहाँ से देखिए बेटा आई कितना आ गया आई विल बीवल टू ये टू पाई से एक कैंसल हो गया तो ये आपके पास आया आई इज इक्वल टू बी एच आई इज बी एच ठीक है बेटा मतलब थीटा क्या है हॉर्जोंटल के साथ रिफ्लेक्शन है किसकी की तो ये डिफ्लेक्शन नोट कर सकते हैं आप तो B इज इक्वल टू I इज इक्वल टू बी एच टू बी एच आर ओवर क्या बेटे म्यू नॉट एन इन टू टेन थीटा इज़ so स्मॉल थीटा इज स्मॉल ठीक है बेटा देन टेन थीटा इज इक्वल थीटा की so, प्रोपोर्शनलिटी आ गई किससे थीटा से यानी कि जितना ज्यादा करंट जाएगा कॉयल में उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी ठीक है बेटा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी अब आप देखिए आई आई इज इक्वल टू बी एच ओवर जी इंटू टेन ऑफ थीटा ये जी क्या है गलवेनोमीटर कांस्टेंट गलवेनोमीटर कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है गलवानोमीटर कॉन्स्टेंट g इज इक्वल टू म्यूनॉट इन बाई टू आर ठीक है ये क्या है कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है तो b g इज इकोल टू म्यूनॉट इन टू एन बाई टू तो आप यहां पे देखिएगा ये गलवेनोमीटर है हैबिटे तो जी इज ग्यूनॉट एन वो टू आर बी एच क्योंकि अर्थ की फील्ड है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है तो इसलिए i जो है इस पर डिपेंडेंट है और ये गलवेोमीटर कॉन्स्टेंट ये है बेटा वर्किंग ऑफ ए टेंजेंट गलोमीटर ठीक है बेटा तो so, ये हमारा टेंजेंट गोमीटर का डिस्कशन कंप्लीट होता है और हम लोग अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म तो टॉपिक का जो थ्योरी थ्योरिटिकल डिस्कशन है दैट इज़ कम्प्लीट ठीक है बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल बी डिस्कसिंग दी